मैम ये देखिए, ये आपकी बेटी पे अच्छा लगेगा। एक ये कलेक्शन भी आया हमारे पास। नहीं अच्छा मैं आपको ना लेटेस्ट कलेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए। नहीं मैडम, मुझे भी अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस लेनी है यहाँ से। तू इस शॉप से लेगा अपनी बेटी के लिए ड्रेस? तू जानते है इस शॉप की सबसे सस्ती ड्रेस भी ना तेरी हैसियत से कहीं ज्यादा है। जाके गली की दुकान से कोई ले ले 400-500 की ड्रेस और ले जा अपनी बेटी के लिए। मैडम मैं सोच रहा हूँ, काफी सालों से ना मैंने उसे कुछ दिया नहीं है, इस बार दिवाली पे मैं उसे एक ड्रेस देना चाहता हूँ। इंसान के पास जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। यहाँ से ड्रेस लेगा। मैडम मैं काफी दिनों से पैसे जोड़ रहा था अपनी बेटी को ड्रेस दिलवाने के लिए। अभी मेरे पास है पैसे कि मैं उसे ड्रेस दिलवा सकूं। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ सबसे सस्ती ड्रेस कितने की है? मैम 2000 रुपीज। 2000 है तेरे पास? हाँ मैडम मेरे पास है, 2000 रुपए है। तो ठीक है, अभी तो ये 2000 की ड्रेस खरीद लेगा और बाद में फिर घर चलाने के लिए मेरे से उधार मांगता फिरेगा। नहीं नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं दिवाली पे इतना तो कर ही सकता हूँ ना अपनी बेटी के लिए। अब मैडम आप प्लीज कोई 2000 तक की ड्रेस दिखाइए ना मुझे। जी तेरी इतनी हिम्मत, एक मामूली सा ड्राइवर होकर इस दुकान से खरीदेगा? मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं गलत समझ रही हूँ? जहाँ से मैं कपड़े खरीद रही हूँ तू भी वहीं से कपड़े खरीदेगा तो मेरा स्टैंडर्ड लो नहीं हो जाएगा? अगर तू चाहता तो मेरे जाने के बाद भी यहाँ आ सकता था, पर नहीं तू मेरे सामने यहाँ से खरीदना चाहते है, तू मुझे नीचा दिखाना चाहते है ना? नहीं नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत लग रहा है। तुझे ना यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, जा जाकर खड़ा हो जा वहाँ पे। पर मैडम ये आप बोला ना, जा वहाँ पे। अरे मैम मैं आपको तो बताना ही भूल गई थी कि हमारे यहाँ दिवाली का ऑफर चल रहा है। दिवाली ऑफर? हाँ बताइए। जी मैम, मैम अगर आप हमारे यहाँ 2 ड्रेस लेंगी ना तो आपको 1 ड्रेस बिल्कुल फ्री मिलेगी, बाय 2 गेट 1 का ऑफर है मैम, लेकिन आपको बिल ना किसी एक के नाम पर ही बनवाना पड़ेगा। अरे वाह ये ऑफर तो सही मिल रहा है, 1 ड्रेस इसको भी दिलवा देती हूँ और बिल जो है वो दोनों का मर्ज करवा लूंगी और फ्री वाली ड्रेस मैं रख लूंगी। हाँ ये सही है। अब सुन ड्राइवर, इधर आ, आप इसको भी 1 ड्रेस दिला दीजिए और जो बिल है ना वो मर्ज कर देना। आर यू श्योर मैम कि आप एक ड्राइवर के साथ अपना बिल मर्ज कराएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मैम अभी तो आप कह रही थी ना कि अगर आप ड्राइवर के साथ शॉपिंग करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, बहुत टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, अब तो हमारी फैमिली का मेंबर बन गया है। आप पर मैम है तो ड्राइवर ही। अरे नहीं नहीं किसी को उसके काम से थोड़ी जज करना चाहिए। हाँ मैम सही बात है, वैसे अभी थोड़ी देर पहले तो आप उनको इतना कुछ सुना रही थी कि मामूली सा ड्राइवर है और अगर आप इनके साथ शॉपिंग करेंगी तो आपका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, और जब मैंने आपको ऑफर के बारे में बताया तो आपने एकदम से अपनी बातें पलट ली, ये आपके फैमिली मेंबर बन गए मैम। देखिए आपको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप ड्रेसेस दिखाइए ना। मैम आप इनको इतना कुछ सुना रही थी पर ये आपको कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि ये आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन शायद आप लोगों की इज्जत करना नहीं जानती। मैंने ऑफर के बारे में झूठ बोला था आपसे क्योंकि मैं आप जैसे लोगों को ना सबक सिखाना चाहती थी जो लोगों को इतने बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आप अपने कस्टमर से इस तरह से बिहेव करती हैं ना तो आज के बाद मैं आपकी शॉप में कभी नहीं आऊंगी। मैं चाहती भी नहीं कि आप जैसे लोग मेरी शॉप पर आए जिन्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। भैया देखिए मैं समझ सकती हूँ कि इतना कुछ सुनने के बाद भी आप इनके यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपकी कोई ना कोई मजबूरी ही रही होगी, पर भैया मेरे पास ना आपके लिए एक जॉब ऑफर है। एक्चुअली मेरी शॉप में एक ड्राइवर की ज़रूरत है सामान एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचाने में, तो भैया आप मेरे यहाँ काम कर सकते हैं? मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको इनसे ज़्यादा सैलरी दूंगी और यहाँ सैलरी के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो क्या खड़ा खड़ा सुन रहे, चल यहाँ से। मैडम मुझे आपका ऑफर मंजूर है, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, आपने बिल्कुल ठीक काम है,
सबसे जरूरी चीज इज्जत होती है। मैडम मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा, कह रही है आपकी चाबी। हार्ड में जाओ। भैया आप आज से ही यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए ना, मैं आपकी बेटी के लिए आपको अच्छी सी ड्रेस दिखाती हूँ।